नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूँकि गर्मियाँ आने वाली हैं और मेरे यहाँ का टेम्परेचर रात में शाम के करीब 15 से 16 डिग्री के ऊपर जाता है, तो मैं लौकी के सीड्स, बाकी जो भी गर्मियों की सीड्स हैं उन्हें लगा रहा हूँ, तो मैं उन्हें एक एक करके आपके साथ साझा करूँगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप भी लौकी के सीड्स लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार लगाएं इस मौसम में कि आपका सीड्स 100% जर्मिनेट हो, क्या मीडिया सॉयल होना चाहिए, कैसे उसे लगाना चाहिए। तो वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो हम सीड्स लगाएंगे वो इस प्रकार हम थर्मोफॉर्म पॉट में लगाएंगे। ये थर्मोफॉर्म पॉट का जो बेनिफिट होता है दोस्तों कि ये इससे जब सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो इन्हें निकालना बहुत इजी होता है। देखिए कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसको हम प्रेस करके हल्के हाथ से आराम से अपने सारे जो पौधे होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये चार थर्मोफॉर्म पॉट ले लिए हैं और इसमें जो मैंने सॉयल भरा है वो वही सॉयल है जो मैं जिस मीडियम में मैं पौधे उगाता हूँ। तो आप डायरेक्ट ग्रो बैग में भी सीड्स लगा सकते हैं, पर मैं इन्हें, चूँकि अभी मैंने मिट्टी अच्छे से ग्रो बैग्स में भरी नहीं है, तो इसलिए मैंने इन्हें थर्मोफॉर्म पॉट में लगाया है, लगाने जा रहा हूँ। इसे 10 से 12 दिन में ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे और 15 दिन के आसपास में ये सीड्स ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाएंगे। तब तक मैं मिट्टी तैयार करके ग्रो बैग तैयार कर लूँगा, फिर उसमें लगाऊंगा। तो दोस्तों, ये सीड्स हैं जिसे मैंने organicbazaar.net से मंगाया हुआ है, तो आप भी चाहें तो मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या करते हैं कि सीड्स को मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले ओवरनाइट पानी में भिगा देते हैं। पर जो मौसम चल रहा है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ सीड्स अगर ज़्यादा गीली हो गई तो वो फूल के ख़राब हो जाएगी। तो अभी इस समय में आप इसको भिगाएं ना, क्योंकि मौसम में भी नमी है और मिट्टी भी आपकी नम रहती है। तो इस समय इसको वाटर में भिगाएं। ये गर्मियों के टाइम में जब आप मई जून में लगाते हैं कोई सीड्स, तब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसे ओवरनाइट भिगा के रखें। इस प्रकार हमें ये सीड मिल रही है। अगर आप भिगाना भी चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए आप इन सीड्स को पानी में भिगा के रख सकते हैं, उसके बाद आप इन्हें निकाल के लगा लीजिए। तो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये मेरा 5 इंच का थर्मोफॉर्म पॉट है, तो इसमें मैं एक थर्मोफॉर्म पॉट में 2-3 सीड्स लगाऊंगा। और सीड्स लगाने के लिए जो दोस्तों थंब रूल होता है कि सीड की जो हाइट होती है इससे डबल गहराई पे आपको सीड्स लगानी है, मतलब इतनी है तो आपको इतनी गहराई पे सीड्स को लगाना है, सो करना है। तो इस प्रकार देखिए, इसे हल्के हाथ से नीचे प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, सीड्स नीचे चली गई हैं। मैं इसी प्रकार एक अपने पॉट में 3-3 सीड लगाऊंगा। अब दोस्तों, एक और चीज़ जो जानने वाली होती है कि सीड का जो ये नीचे का हिस्सा होता है जहाँ से स्प्राउट होता है, तो इसको हमेशा आप नीचे की तरफ लगाइए। जर्मिनेट कैसे भी रखेंगे आप होगा, पर उसमें टाइम ज़्यादा लेता है। तो सीड्स को जब भी लगाएं लौकी के, तो इसको इस प्रकार लगाएं। तो इस प्रकार हमने सारे सीड्स सो कर दिए। दोस्तों, मुझे ये बेस्ट टाइम लगा, क्योंकि फिर हम लगाएंगे जब फरवरी लास्ट में, अगर सीड्स लगाते हैं फरवरी में लगाते हैं तो फिर हमें इसकी पैदावार भी देर में मिलती है। फिर एक दो पैदावार लेने के बाद सीजन ख़त्म हो जाता है और फिर हमारे पौधे ख़राब होने लग जाते हैं। इसलिए अगर हम जल्दी लगाते हैं तो हमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने इसे लगा दिया है। अब इसमें हमें करनी है वाटरिंग। वाटरिंग देने का जो खास रूल है दोस्तों कि जब हम सीड्स लगाते हैं तो जो भी मिट्टी इस हमने पॉट में भरी हुई है, ये पूरी तरह से वाटरिंग देने पे नीचे तक की मिट्टी पूरी गीली होनी चाहिए। तो आप जब भी वाटरिंग कीजिएगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने इस प्रकार वाटर कैन लिया हुआ है, इससे हम वाटरिंग करेंगे। हाँ, वाटरिंग करते समय जो हमारी सीड्स है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो हम इस प्रकार भर देंगे और नीचे की जो ड्रेनेज होल होते हैं उस रास्ते पानी बाहर आना चाहिए। देखिए, हमने जब जो भी पानी डाला है पूरा मिट्टी में नीचे तक चला गया। आप देखिए, पानी पूरी। तो ये मिट्टी की जो सबसे अच्छी पहचान होती है कि हमारी मिट्टी अच्छी बनी है, पानी कभी भी रुकेगा नहीं, पूरा वाटर जो भी आप देंगे वो नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, मिट्टी पूरी गीली हो गई। अब इसमें आपको वाटरिंग तब करनी है जब आपकी मिट्टी ड्राई हो, और इसको आप किसी भी शेडेड प्लेस में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर इसको देखते रहिए कि इसमें मिट्टी आपकी नमी बनी है। अगर ड्राई हो जाती है तो फिर आपको इसमें फिर वाटरिंग करनी है। आपको 8 से 10 दिन में इसमें जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगी
और जब जर्मिनेशन हो जाए तो इसको इस प्रकार से हल्के हाथों से प्रेस करके इस पॉट को आप इसमें निकाल के पौधों को ट्रांसप्लांट कर लीजिए, जिस भी गमले में पॉट में लगाना चाहते हैं आप। लौकी लगाने के लिए मैं जो दोस्तों सजेस्ट करूंगा, कम से कम 18 इंच का 18 बाय 18 का ग्रो बैग लीजिए, या रेक्टेंगुलर में है तो आप 15 इंच की हाइट का कम से कम ग्रो बैग लीजिए, जो भी लीजिए उसी में लौकी लगाइए। और जब लौकी आप ट्रांसप्लांट करते हैं सेम टाइम पे आपको कोई भी कंपोस्ट नहीं देना है जब तक कि आपका पौधा सेट ना हो जाए। एक बार सेट हो जाता है 10 से 15 दिन के बाद आप उसमें कंपोस्टिंग शुरू कीजिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।